डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं है, बीमारी का कोई पता नहीं चल रहा है। सूर्य नगरोटा में जाना हमने भेड़ बकरी लेके, तो भरमौर से आए हम, कभी देखी नहीं हमने इसको, बीमारी को नहीं देखा है। पहली बार हुआ है। तो ये देखो पैर इसका, हाँ इससे हम कोई 50-60 भेड़ लंगड़ी है। अच्छा, हाँ जी, माल है 300-350 जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये देखो ये पी रहा है माँ का दूध ना, ये भी बीमार है। अच्छा। ये भी मतलब एक दो दिन रह रहे फिर खत्म हो जा रहे हैं जल्दी, कोई पता नहीं लग रहा है। अच्छा। बकरी के बच्चे भी और भेड़ के भी, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। पहले भी हुआ कभी ऐसा? पहले तो सर कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। ये तो ये बीमार है, ये देखो वो नीचे वो सब बिल्कुल यहाँ पे लंगड़ी है सारी भेड़े ये। अच्छा, हाँ जी। तो ऊपर से आने में कितना टाइम लग गया? लग गया हमारे को 3-4 दिन, आए सिल्ली से आए हम ऊपर से। अच्छा। प्रमोर से तो 2 महीने हुए चले हुए। इतना टाइम कैसे लग गया? तो लंगड़ी भेड़े आस्ते आस्ते जा रहे हैं नीचे को, तो गाड़ी कर करके नीचे को जंगल में पहुंचा रहे हैं इनको। ऐसे पैदल जाना था? पैदल ही जाना था, तो इनको लंगड़ी को गाड़ी करना पड़ रही है रोज। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है? नुकसान हो रहा है कि जो बच्चे इनके 20-22 बच्चे ही मर गए हैं, 3-4 तो सुबह मरे आज पीछे छोड़ कर आए हम। अच्छा। एक यहाँ मर गया है, वहाँ फेंका नीचे नाले में, दबा दिया नीचे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ 3 डेरे हैं, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है इनके लिए, तो बहुत मुश्किल से हम अभी गाड़ी करके आए हैं, गाड़ी में लेके जा रहे हैं इनको, तो बहुत तकलीफ हो रही है ले जाने में। गाड़ी वाले किराया भी काफ़ी ले रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं वो भी, तो इससे ज़्यादा क्या बोलना है अभी। यहाँ पे इन्होंने डेरा लगाया है और अभी इनको चराने के लिए लेके जा रहे हैं, चला नहीं जा रहा इनसे। भेड़े यहाँ पे इन्होंने इकट्ठी कर दी हैं, एक एक करके वहाँ पे लेके जा रहे हैं ऊन निकालने के लिए। अरे देखिए इनका डॉग, उसकी ऊन निकाल दी, वो वापस चली गई वहीं पे ही। इतनी सारी ऊन अब तक ये निकाल चुके हैं। अभी नीचे नीचे दबा रहे हैं इसको, ये देखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मेमना है और इसकी मदर। इन भेड़ों के मालिक ये हैं। जहाँ पे नीचे अभी कैंप लगा था वहाँ से हम आ गए हैं और देखिए चरवाहे दादाजी हमें मिले। अभी ये पहाड़ी बहुत नीचे तक है, 60 भेड़ हैं। इन्होंने अपने घर भेज दी गाड़ी में, क्योंकि चल नहीं पा रही थी, खुरों में इन्फेक्शन हो गया था, खुर सड़ गए थे। आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? 70 रखी है अंदाजन। का साल ऊपर होला या थल्ले होला। अच्छा, 70 साल ही। और घर? घर ऊपर कुकती। कुकती? कुकती। चंबा? हाँ, चंबे से आगे कुकती। अच्छा, भरमौर के पास? भरमौर मतलब से भी आगे। अच्छा, कितने दिन लग गए आपको वहाँ से आने में? ओ यार, अभी तो बहुत दिन लगा, माल बहुत गहर हो गया ना, अभी तो महीना हो गया पूरा चले। तो मतलब लंगड़ा है इसकी वजह से ज्यादा टाइम लग गया? ओ बड़ा भारी चलना ना आज, फिर बीच बड़ी ना 60 भेड़ा। फिर आपने दवाई वगैरह लगाई इनको? कोई दवाई दुई ना, तो सही दवाई लानी, कोई दवा दू ना, चली रही। अब तक आपकी कितनी भेड़ बकरियाँ मर गई? हमारी भी छोड़ी यही है, राय तो मारो को 10-20 चली गई, बड़ी छोटी मोटी। हाँ,
ये बोल रहे हैं 20 के करीब डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, तो आज कहाँ रुकोगे आप रात को? रिड़का। अच्छा अच्छा, रेड कुमार वहाँ जैसे है, रेड कुमार जहाँ पे अभी वो कैंप लगा है, है ना? फिर आपने कब निकलवानी ऊन? कल ऊन तो काट ली है। काट दी है? कहाँ? नाले में। वहाँ पे लगा था कैंप आपने? आपने खुद ही? खुद अपने हाथ से ही। वो व्यापारी आ गया ना, वो सल्ली में आ गया था व्यापारी सल्ली में। किस रुपए के हिसाब से दिए उन्होंने? वो बड़े रात नहीं आया, उन्होंने किसी नहीं ठग लिया यार। ठग दिया? बोला रेट ही नहीं है, रेट ही नहीं है, 55 रुपये। 55? 55 रुपये किलो। तब तो कम गई। कम गई है ना, बैजनाथ से आगे बीड़ साइड गया था मैं। तो बीड़ में जो वहाँ के बड़ा बंगाल के चरवाए थे, उन्होंने बताया कि वो बेचते हैं 71 रुपये, आपने बेची 55। तो ठग दिया मतलब? तो मैं तो बोला करना हमारे को ठग दिया। और रेट नहीं, आगे बोलते रेट ही नहीं है। अब उन्होंने तो ऐसा ही बोला ना कि रेट नहीं है। तो नहीं है रेट दा है ले। और देखिए नीचे जैसे अभी बस आ रही है, अभी निकलेगी यहाँ से, और देखिए घोड़े नहीं रखते आप साथ में? घोड़े घाड़े हमारा रास्ता नहीं है, घोड़े वाला ये जंगल आए थे। हाँ, इधर से नहीं चल सकता ना घोड़ा, उसको भी बंदा चाहिए। कितने बंदे हो आप? आप तो अभी तो दो बंदे हैं। दो ही हैं? माल? माल तो ना इस वक्त कोई 300 माल का है इधर। 300? सल्ली वाले रूट से जितने भी चरवाहे जा रहे हैं, सबकी भेड़ बकरियाँ इन्फेक्टेड हो गई हैं। हाँ, बड़ा बंगाल, बैजनाथ, बीड़ बिलिंग, इस साइड के जो चरवाहे हैं उनकी भेड़ बकरियों को ये दिक्कत नहीं है, उनकी बिल्कुल ठीक है। ये देखो ना, ये एक नाला है पीछे से, ये एक नाले में एक रास्ता है, उसी रास्ते से आ रहे हैं सारे। सारा उस रास्ते में पूरा ही। तभी तो फिर ये सारे डेरे इन्फेक्टेड हो गए ना। कोई नूरपुर में जाएगा, कोई नूरपुर, कोई नुकरोटा जाएगा, कोई उन्ने में जाएगा, कौन दौरा में जाएगा, कोई बिलासपुर, कोई बिलासपुर जाएगा। आपको कितना टाइम हो गया वैसे भेड़ बकरियां चराते हुए? आपको? आपको तो 12 साल का लगा जा रहा। जब आप 12 साल के थे? हाँ। आपके बाद फिर ये भेड़ बकरियां कौन देखेगा? पुत्र, लड़के, इनके दोनों लड़के इनके साथ भेड़ बकरियां चराते हैं। एक चले गए हैं घर में, जो 60 भेड़ बकरियां इनकी इन्फेक्टेड है, जो चल नहीं पा रही हैं उनको लेके, वैसे इनमें भी कई हैं ऐसा बोल रहे हैं ये। तो मैंने काफ़ी चरवाए देखे, उनके आगे जो जनरेशन है वो इस काम को नहीं करना चाहती। हिमाचल और उत्तराखंड साइड तो इस काम को आजकल नीचे दर्जे का देख के लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और शेम आती है लोगों को ऐसा काम करने में। लेकिन अगर आप बाहर की स्टेट्स में देखोगे तो लोग शौक से करते हैं जॉब छोड़ के। तो मुझे खुशी हुई कि इनके दोनों लड़के इनके साथ भेड़ बकरियां चराते हैं, और सरकार को और ज़्यादा अच्छी अच्छी स्कीम्स इनके लिए लानी चाहिए। ये आपका कुत्ता है? कितने हैं कुत्ते टोटल? ये की। कुत्ती है ये? कलर देखिए दोस्तों इसका आप, क्या नाम है इसका? रिखू। ये देखिए पत्थर फेंका और नीचे चली गई। ये देखिए दो बैल और एक गाय और एक बड़ी बछिया ये आ गए खेतों से। My heart is beating to your drum, and I'm blinded by the sunshine in your eyes. Not thinking twice, am I this dumb? Although I know you're all I want. ये देखिए ये है सल्ली वल्ली। मैं पहुंच गया हूँ डेरे में, और देखिए पीछे लकड़ी ला रहे हैं ऊपर पहाड़ से, बहुत मेहनती लोग हैं। इसने अभी हमारा स्वागत किया।
नहीं आती है ना हिंदी, ये तो स्कूल स्कूल से देखा ही नहीं है ना। हिंदी में तो बात कर रहे हो आप, बड़ी अधिकत है, चलती नहीं है, बकरियां भी भेड़े, भेड़ भी, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको भी कोई दुआ हो ना जल्दी ठीक हो जान, तो दवाई के टाटारे मासी टीके देते, डॉक्टर बोलते ये दवा है, अभी गए थे रिड़के में, वो बोलते खत्म हो गई हमारे पास, ये तो 10-12 मर गई है। मर गई है? हाँ जी। और छोटे? छोटे 3-4 छोटे। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा कोई भी, कोई समझ नहीं चल रही है, खरीड हुआ है कि कोई और बीमारी है। आप ऐसे कोई डॉक्टर अच्छा आए तो हमारे को अच्छी अच्छी दवाई दो तो अच्छा माँ जल्दी माँ ठीक हो जाए, तो बोलते ले वो आपने शिशु नहीं देते टीका होता जल्दी आराम हो जाए उससे, इंजेक्शन से। हाँ, तो ऐसे कैसे लगानी है दवा से भाग जाती है जल्दी जल्दी ये, तो पटास देते तो पटास से ठीक नहीं होती है जल्दी, आने में तो लगे कोई महीना कुकती से यहाँ पर। वैसे कितना लगता है? ऐसे ऐसे चलना तो 15 दिन लगते है सूर्य नगरोटे पहुँचते। अच्छा, हाँ जी। आपको इतना टाइम क्यों लगा? ये लंगड़ी के साथ है, मजे से जा रहे हैं। हम तेंदुआ मिला था कब? रात को 11:30 बजे का टाइम था वो ऊपर। हाँ जी। फिर भगा दिया हमने, वो माल का नुकसान नहीं किया उन्हें। तो आपको कैसे लगा पता तेंदुआ है? वो भेड़ बकरी नीचे भाग आई ना। अच्छा, तो लग जाता है पता। आधी रात को? हाँ जी, 11:30 बजे का टाइम था अभी रात को। हाँ जी। फिर ये कुत्ते? ये कुत्ते भी भागते है ना, तो बोलते है कुत्ते गए उसके पीछे। हाँ जी। फिर भाग गया आगे क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ जी। जो छोटे छोटे मेमने हैं उनको रहने के लिए बनाया है इन्होंने, ये ऊपर से ये ढक देते हैं फिर उनको ठंड नहीं लगती, और यहाँ पे आज ये स्टे करेंगे। देखिए भेड़ की उनसे बने टोपी भी हो गई, कोट भी हो गया, और ये भी लोकल है तो ये भी इसको लेने की सोच रहे हैं। क्या बात है, तो पिछली बार तो ये ठगी हो तो मिलजू। चील के ये चीड़ की लकड़ी ले आए थे थोड़ी सी, तो इससे ये आग जला रहे थे। ये जिन्होंने रस्सी से बांधा हुआ है, घोड़े इस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे ढंग से, तो पैदल ही लाना पड़ता है। आपने देखा कितना खराब रास्ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं फिर से रेड़ कुमार में पहुँच गया हूँ, इस गाड़ी में भर के सारी ऊन अभी लेके चले जाएंगे, वहाँ पे निकाल रहे हैं ऊन को। ये जो मेमना है ये भी करीब आधे घंटे का है, और इसकी मदर की ऊन वहाँ निकाली जा रही है, और इसकी ऊन निकाल दी गई है, अभी इन सब की ऊन निकाल दी गई है, अभी ये जा रहे हैं आगे। वो है मेल डॉग, ये फीमेल डॉग, और वो भी फीमेल डॉग। कलर तो बहुत यूनिक है इनका, नस्ल भी ठीक है। दुडू, इसकी अगली टांग में क्या हुआ है लंगड़ा के? चल, ये अपने मेमने को ढूंढ रही है, बच्चे को ढूंढ रही है अपने। ये अंकल डर गए। अंधेरा हुआ भी नहीं है और अभी से ही गार्डिंग शुरू कर दी है इन्होंने। 5:30 हो गए हैं और अंधेरा भी होने वाला है, तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। गुड नाइट। नहीं, जिनको वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हरिओम।